नमस्कार संगवारी, जय जोहार, राम राम। मैं हूँ भीषम वर्मा और आप मन देखा था हमारे यूट्यूब चैनल भीषम वर्मा ब्लॉग। संगवारी हो, देखे कि नवा नवा वीडियो लेके आत रही था। अब ये बार फिर पुनः एक बार नवा वीडियो लेके आत हो। जैसे कि मोर साइड में आप मन देखा था कि तमूरा है और बहुत सारा ये वाद्यंत्र है और इन मन ला अपन हाथों से भैया बनाते। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से हमन हाँ जो उन्हें जानकारी लेबो और भैया से पूछबो कैसे बनते का है। ज़्यादा देर न करते हुए सीधा गोट बात करथन भैया से, सीधा आप मन ला रूबरू कराथन। भैया सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है भैया। भैया आपके छोटे से परिचय दे देते। मोर नाम दीपक कुमार तारम है, ग्राम देवरी बड़गांव, तहसील डंडोरा, जिला बालोद के रहने वाला। कब से ये तमूरा वगैरह बनाए के स्टार्ट करे हो आप? तमूरा वगैरह तो खैर अभी 2-3 साल हो थे, लेकिन पहले से बढ़ाई काम करते रहे हो लकड़ी के पूरा आरतीस से। हाँ, कारपेंटर जिन है बस्तर आर्ट के पूरा काम। अच्छा, बस्तर आर्टिंग में जो भी काम होते खुदाई वगैरह, फोटो वगैरह बनाना है, सब नाम वाम लिखना है, सब पूरा। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के ऑफिस में हमन पहुँचतन वो उन जगह बस्तर आर्ट दिखाई देते ये लकड़ी के, तो उनमें आपके तरासे हुए वर्क करी थे। हाँ रहते यहाँ, ये अपन सब सीम आर्ट मन में भी अब सामान सब डाले हैं। हाँ, और हस्तशिल्प बोर्ड यहाँ वहाँ भी हम डाले हैं। अच्छा, वहाँ से भी पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह है मोर। हाँ, कतेक दिन हो गए भैया ये जिन आपके ये कलाकारी के क्षेत्र में? कलाकारी के क्षेत्र में जैसे 5 साल हो गए मतलब बढ़ई काम, कारपेंटरी काम करत, आईटीआई भी करें ना। अच्छा, तो यही क्षेत्र में करें कारपेंटरी। ये प्रेरणा स्रोत कौन ला मानते हो कि आप अतिक बड़े जिन शासन प्रशासन के टीम बस्तर आर्ट ला सजग रूप से जिन दिखावत हो, कौन ला अपन प्रेरणा स्रोत मानते हो? प्रेरणा स्रोत है बा मोर घरे से है। हाँ, ऐसे घर में तो मोर कोई नहीं रही, लेकिन मोल अब काम करे मोल सपोर्ट करी, मतलब मोल पूरा सपोर्ट घर से मिली कि ये काम करो कहीं नहीं। कहीं ना कहीं रिथे बढ़ई के लेकर बढ़ई बनते, मास्टर के लेकर मास्टर बनते, तो कोनो आपके परिवार में ऐसे रिहिस का बढ़ई वगैरह? ऐसे तो कोई नहीं रही से बढ़ई, और मैं कहा मोर पढ़ाई जीवन मोर नाना यहाँ से हुई से। हाँ, तो नाना थोड़ा बहुत ऐसे नांगर गाड़ा वाड़ा बनाए था, मान ले नांगर मान ले। हाँ, तो ओला देख के मैं बढ़ई काम सीखे हूँ। कतेक दिन लगी से ये सब चीज़ काम बूता आप मन ला सीखे बर? ऐसे तो मुला ज़्यादा दिन नहीं लगी से, 3-4 साल में अच्छा से बना लेते हूँ। अच्छा, और हर जगह मतलब अब हर क्षेत्र में बड़े बड़े कार्यक्रम के सब मोमेंटो वगैरह सब लकड़ी से मैं बना के देता हूँ। ये जगह में जो देखा था, ये जगह मैत्री गार्डन के पास में है और यहाँ जतका बूता हुआ थे कहीं ना कहीं सब कला संस्कृति से ले कर चला थे यहाँ पे। और काका यहाँ ये क्षेत्र में बूता होते थे? ऐसे तो ये क्षेत्र में मतलब वाद्य यंत्र में ज़्यादा यहाँ हम तो वाद्य यंत्र में फोकस करते हैं जी, और घर तरफ रहन तक कुछ भी जैसे बनाते रहते हैं, जैसे आर्डर के ऊपर रहते वैसे बना कर रहते हैं, बांस के भी काम करते हैं, लकड़ी के भी दोनों। मैं चाहूँ थोड़ा सा एक ठन बड़े वाले तमूरा लाते हो और एक बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हो कैसे काम करते, कैसे ध्वनि निकलते, काका हरे ये चीज़ है तेला बताते ऐसा कि थे इसलिए हरे ये तमूरा हरे। हाँ, एक्चुअल में एकर काम कराते भैया। हाँ, और दोनों को मिल के करते हैं। हाँ, तो ये हरे तमूरा, ये बांस के डंडी है जी जी, और ये तमूरा पहले बने तुआ के। अच्छा, लेकिन अब वो मजबूती नहीं आए, कारण एल्युमिनियम के बना था। हाँ हाँ, और ये तार होते हैं। अच्छा, ये तार ला धरे ऐसे बजाना रहते हैं। हाँ हाँ ठीक, ये शोभा के लिए मंजूर पीखे और एक 3 ठो डंडी तार लग कसे वो। अच्छा, मतलब तार जन ढिलिया थे और मैनेज करे बर सुर मिलाए बर। हाँ हाँ, सुर और ताल ला बराबर ढंग से करे बर। हाँ ठीक, ये पंडवानी में यूज होते हैं जी, और ये होते रुंजू। ये कह रहे ये है ये रुंजू हर, ये जे में देवार गीत में। अच्छा, देवार गीत में, देवार गीत में ये वाद्य यंत्र चलते हैं। ये मुख्यतः देवारे मन के बाजा है। अच्छा अच्छा ठीक, लेकर एक बजाए का थे ऐसे। हाँ, करे वाला हमन नान नान रहन था इसे कहन भैया चोई रोई वाले। हाँ, आ गए जी, वही अरे है, वही अरे ना। हाँ, ये मेन नारियल खटोली है। अच्छा, अब ये तबला बरोबर लगा थे? चमड़ा है, चमड़ा है ठीक। हाँ, चमड़ा ले में छान जी, ये बांस के डंडी, यहूं तार लगते में एक तार रहते हूँ मैं तमूरम, तीन तार रहे थे। और तीन तार काबर रहे थे रहन दे, तीन तार में सपमा। अच्छा, सारे गामा जिन स्वर है वो रहते हैं, वो रहते हैं, ये केवल एक सुर में रहते जी।
तो ये रहिन हमारे साथ में भैया है और जिन बहुत विस्तार से ये कला संस्कृति के वाद्य यंत्र मल्ला हमला बताइस और बहुत सुंदर जानकारी दी, ओकर लिए हम साधुवाद और आभार करथन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपो मल्ला धन्यवाद भैया, इसी तरह से आप हमला सहयोग प्रदान करत रहो। तो ये रहिन हमारे भिलाई में अभी बैठे हैं और भिलाई के जिन मैत्री गार्डन के आसपास के लोकेशन ये है, एग्जैक्ट का जगह है का बोलते भैया? ये कुकी ग्राम मड़ौदा सेक्टर भिलाई, कुकी ग्राम मड़ौदा सेक्टर भिलाई में यहाँ बहुत सारा कला संस्कृति से लेके काम बूता चलत है। आप मन एक बार जरूर यहाँ आके विजिट करो। देखत रहो अपन चैनल BSM मोरमा ब्लॉग। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।